महासंग्राम 2023 न्यूज 18 राजस्थान की चुनाव एक्सप्रेस आज पहुंची है वीर वीरमदेव की धरती पर। वो वीरमदेव जिनके गाथाओं को, जिनकी शौर्य के किस्सों को यहाँ के बच्चों को बचपन से सुनाकर बड़ा किया जाता है। वो वीरमदेव जितने आक्रांता है, उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ बिल्कुल भी परिचय नहीं किया और किसी भी रूप में उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए अपने शीश को नवा दिया। और आज की तारीख की अगर बात करें तो जालौर, जी हाँ, जालौर में हम आए हैं। और जालौर को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि एशिया में ग्रेनाइट सिटी के नाम पर जाना जाता है। और अगर जालौर की बात करें तो जालौर में 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा पर बीजेपी काबिज है और 1 विधानसभा सीट सांचौर की कांग्रेस के खाते में है। टेक्निकली अगर देखा जाए सांचौर को अलग जिला बना तो दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहां जालौर को ही जिला मानते हुए 5 विधानसभा सीटों को लेकर कंसीडर किया जा रहा है। क्या मुद्दे, क्या समस्याएं यहां की है, सीधा सवाल जनता के होंगे और हमारे होंगे और जवाब देने के लिए आज बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं स्वागत करना चाहूंगा कांग्रेस से, योगेंद्र सिंह कुंपावत जी हैं, जिला प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत योगेंद्र जी आपका। बीजेपी के गजेंद्र सिंह सिसोदिया मेरे साथ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के करण सिंह जाटावत जी मेरे साथ मौजूद हैं, जोधपुर संभाग प्रमुख हैं, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत योगेंद्र सिंह कुंपावत जी से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। योगेंद्र जी, यहां पर मैंने इतिहास से आज के काल को जोड़ा कि ग्रेनाइट सिटी के तौर पर पहचान है। एक किस्सा और एक बात यहां पर और भी चलती है, वो ये कि जालौर जिला एक ऐसा जिला है जहां की सड़कों का बुरा हाल है। और सड़कों को लेकर यह कहा जाता है, जब नेता के पास लोग जाते हैं कि सड़कें बनवा दीजिए हुजूर, तो कहा जाता है कि सड़कें अगर बन जाएंगी तो फिर बदमाश तेज फर्राटे से गाड़ी में सवार होकर भाग जाएंगे, वो पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। ये क्या कहानी और क्या किस्सा, बताइए क्यों सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है? आपको बात सही लगी या नहीं लगी तो जोरदार तालियों के साथ, ऐसा है कि नहीं है? सड़कें हैं या गड्ढे हैं यहां पर? सड़कें बनवाने के लिए जब जाते हैं तो यह कहा जाता है कि यहां पर चोर भाग जाएंगे, हाथ में नहीं आएंगे, कहा जाता है कि नहीं? यह कहा जाता है। बीजेपी से भी जवाब लूंगा, कांग्रेस से भी जवाब लूंगा, चिंता मत कीजिए। पहले कांग्रेस, देखिए आपने इतिहास की बात की, जालौर का इतिहास पूरे देश नहीं विश्व में प्रसिद्ध है और इतिहास में देश आजाद होने के बाद ऐतिहासिक काम विगत 5 वर्षों में हुए हैं। यहाँ भाजपा के 30 साल से एमएलए रहे हैं, 3 टर्म से एमपी है, लेकिन वो एक भी काम नहीं गिना सकते जो जनता के जहन में हो। मैं आपको 10 काम गिना दूंगा, उसके साथ जनता के 50 काम। शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। जालौर में 325 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो कि केंद्र सरकार को बनाना था लेकिन राज्य सरकार ने अपने स्वयं के खर्चे से बनाए। जालौर में आज आरओबी जो नजदीक है, 3 आरओबी राज्य सरकार बना रही है। जालौर में नई सड़कें बन रही है। जालौर में जो भी काम विकास के हो रहे हैं, सड़क देख लीजिए, पानी देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए। जालौर की जितनी स्कूलें हैं जिनको क्रमोन्नत करने की कई बार डिजायर है, राज्य सरकार में चली गई, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उन स्कूलों को 5वीं से 8वीं, 8वीं से 12वीं तक कर दिया। नए कॉलेज, पानी की बात आप कर रहे हैं, जवाई बांध का पानी आ गया क्या जालौर में? देखिए सर, देश आजाद होने के बाद आज दिन तक किसी शिक्षा की आप बात कर रहे हैं क्या? महाविद्यालय को अगर देखें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिएगा, 42 पद यहां पर शिक्षकों के स्वीकृत हैं, सिर्फ 12 पद पर यहां पर शिक्षक मौजूद हैं। बताइए क्या स्थिति है यहां पर? सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, जवई बांध के पानी की बात कर रहे हैं, जालौर की जनता जवई बांध के पानी को चाहती है, उसका फ्लो भी अच्छा है। कांग्रेस सरकार से पहले भी भाजपा की सरकार रही है, एक फूटी कौड़ी जवई बांध के लिए नहीं दी। कांग्रेस सरकार ने 2554 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए जवई बांध के पुनर्भरण के लिए। अगर वो पुनर्भरण होगा तो जालौर की जनता को पानी मिलेगा। ये ऐतिहासिक काम कांग्रेस की सरकार ने किया। एक चीज और बता दीजिए, ये सड़क क्यों नहीं बन रही? क्या वाकई में चोरों को पकड़ने के लिए सड़क में गड्ढे हों, ये जरूरी है? कौन सी सड़क नहीं बन रही है? आप और बीजेपी वाले हमेशा बात करते हैं रोहित से जालौर वाली, आपके 3 ट्रंप के एमपी हैं। जालौर से जोधपुर की भी बात होती है यहाँ पे जनता की तरफ से, जालौर से जोधपुर की सड़क के क्या हाल है उसके भी बताते हैं। कैसी है सड़क जालौर से जोधपुर की? जालौर और जोधपुर की आप बात कर रहे हैं, 2018 में इनकी मुख्यमंत्री ने झूठी वावई लूटने के लिए टोल को माफ कर दिया, फूटी कौड़ी नहीं दी। कांग्रेस सरकार ने 16 करोड़ रुपए दिए उस ठेकेदार को, जब जाके काम हो रहा है रोडों का। जोगेश्वर गर्ग जो स्थानीय विधायक हैं गजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उनको लेकर यह कहा जाता है कि उनको जालौर रास नहीं आता, चुनाव के वक्त में ही उनको पसंद आता है यहां पर लोगों के बीच में बैठना उठना, जब वो जीत जाते हैं तो फिर जयपुर और दिल्ली की राजनीति उनको पसंद है, वो नजर नहीं आते लोगों के बीच में। और ये जो आरोप लगाए और काम गिनाए, इस पर भी आपसे जवाब लूंगा।
बिल्कुल, पहले तो आप इस महासंग्राम 2023 में पूरे न्यूज 18 परिवार का वीर विरमदेव जी की धरती पे और शांतिनाथ जी की तपोभूमि पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि हमारे जोगेश्वर जी जीतने के बाद में जहां से जनता का मोह भंग करके दिल्ली और जयपुर ज्यादा पसंद आता है, मैं बताना चाहूंगा मेरा घर और जोगेश्वर जी का घर एक ही गली में है। ऐसा कोई राजनीतिक कारण से या विधानसभा में वो बाहर रहे होंगे, बाकी वो हमेशा जनता के बीच में जुड़े रहे हैं, सुबह से शाम जनता के बीच में उपलब्ध रहते हैं। चलिए अच्छा हुआ मैं आपकी बात को बीच में रुक रहा हूं, आपका ने और जोगेश्वर जी के घर के बारे में बताया। जरा एक बार कैमरा उस तरफ को करते हुए जरा हाँ या ना का जवाब मैं लूंगा। एक बना रहा हूं, जोगेश्वर जी का जो घर है और माननीय गजेंद्र जी का जो घर है, उसकी गली की सड़कों का हाल कैसा है? जब बरसात होती है तो वहां पर पानी का क्या हाल होता है बताइएगा जरा। ठीक हाल है कि खराब हाल है? कैसा हाल है? ठीक है, चलिए आते हैं अगले पे, आते हैं अगली उपलब्धि पे आते हैं। एक तो ये उपलब्धि हो गई और बताइए। आप जो कह रहे हैं उनकी जो रोड है गली के बाहर वो बीओटी सड़क है, रेलवे स्टेशन से लेकर जसवंतपुरा वाला जो ये बीओटी कंपनी के अंतर्गत रोड आता है, हमारे विधायक जी ने पिछले 2 साल से कई बार अनेकों अनेक लेटर पीडब्ल्यूडी है। अरे विधायक जी इतने लाचार है कि अपने घर के आगे की सड़क नहीं बनवा सकते हैं क्या? बना सकते हैं बिल्कुल, अगर वो टोल कंपनी रोड को सरेंडर करे, राज्य सरकार रोड को सरेंडर करे तो विधायक जी बनवा देंगे। पर वो बीओटी वाला टोल वसूल किस बात के लिए? वो टोल वसूली कर रहे हैं तो फिर टोल कंपनी का दायित्व तो बनता है कि उस रोड को रिपेयर करें। और काम तो गिनाए बहुत सारे यहाँ पर, अभी बीजेपी की जब सरकार रही या फिर 1990 में पहली बार जोगेश्वर जी यहाँ पर गर्ग जी को लेके कि अटल बिहारी वाजपेयी 1990 में जब 1992 में बने थे, 1990 में जब वाजपेयी जी आए थे तो यहां पर एक दिग्गज नेता जी चुनाव है, यानी बूटा सिंह जी की बड़ी दाढ़ी और जोगेश्वर जी की छोटी दाढ़ी में चुनाव है। और यह देखना होगा कि छोटी दाढ़ी को आप चुनाव जिताएं। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोगेश्वर जी के लिए मंत्री भी 90 के दशक में वो रह चुके हैं फिलहाल। अब आप ये बताइए कि बीजेपी की सरकारें भी रही, विधायक लगातार वो चार बार से विधायक के पास। आप जो बात कर रहे हैं 1990 में जब वो पहली बार विधायक बने और जब मंत्री बने, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि वो आयुर्वेद मंत्री थे तो पहला पीडब्ल्यूडी विभाग उन्होंने जालौर में खोला, खेलकूद का स्वतंत्र प्रभाव उनके पास था, खेलकूद विभाग। ये तो मंत्री होते हुए ने कर दिया काम, विधायक रहते हुए क्या किया इस टेन्योर में इस बार के आम में? में रहते हुए भी उन्होंने अनेकों अनेक काम किए और केंद्र सरकार से, अभी जो हमारे साथी कांग्रेस के बोल रहे थे ये सामने जो आरोप एक भी पूरा नहीं किया, इन्होंने ही पूरे शहर में होर्डिंग लगाए थे और आज पूरा 92 करोड़ के साथ में ये आरोप भी। बांध का पानी बीजेपी ने नहीं आने दिया इसीलिए यहाँ के लोग प्यासे हैं। बांध का पर 1% भी चर्चा नहीं करी है। क्या ये बात है कि क्योंकि इसको सैफरन लैंड के तौर पर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर लगातार बीजेपी के ही विधायक चुनकर जनता भेजती है, तो क्या ये कारण है कि सरकार अगर राज्य नहीं है? जालौर में 4 विधायक इनके हैं, 1 MP इनका, म्यूनिसिपलिटी का सभापति इनका, प्रधान इनके, उसके बावजूद एमपी उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने करोड़ों का बजट जालौर को दिया है। अब वो एमपी का चुनाव छोड़ के एमएलए का लड़ने जा रहे थे, बीजेपी वाले बता चुनाव लड़ रहे हैं। अब सांचौर में क्या स्थिति है वो सबको पता है। और रही बात हमारे साथी कह रहे थे पुनर्भरण की, अगर कोई स्कीम बीजेपी सरकार करती तो ये पुनर्भरण की योजना, और 5 साल के काम को मैं बता दूं आंकड़ों के सहित, गोवंश के नाम पे राजनीति करने वाली भाजपा ने गला के लिए 500 करोड़ रुपए दिए और कांग्रेस ने 2882 करोड़ रुपए दिए हैं। आज का सांचौर में किस तरह से उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी हुई है, खैर कानून का मसला है, लेकिन उनका क्या विरोध हो रहा है क्या? बिल्कुल विरोध नहीं है, जीतेंगे या जनता। बीजेपी पर आरोप लगा है कि ज्यादा गौ संरक्षण के लिए कांग्रेस सरकार ने काम किया है। इन्होंने अभी लंबी बीमारी में गौ संवर्धन के नाम से 40,000 रुपए की घोषणा करी। उसकी बात यहाँ पर करें, रमिता मेघवाल जी आपकी प्रत्याशी हैं, ये बताएं मेरे को कि सायला क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल जी, पूर्व सभापति इंदु मेघवाल, आप जो हंस रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए आप, हम किसी बात को हंस नहीं रहे हैं, पार्टी का अंदरूनी मामला। रामलाल जी, मंजू जी मेघवाल, किन्हीं किसी के कार्यकर्ता के जालौर को बदनाम किया, हमारे किसी समर्थक ने पत्थर फेंक के, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, पार्टी का मामला है, मिल बैठ के सुलटा लेंगे। के टॉस पर जब टिकट नहीं मिला तो अपनी पत्नी को चुनाव में वहां पर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से बैठा लगाया गया चुनाव में, और उसके बाद अभी की बात करें तो फिर निर्दलीय चुनाव हटे हुकम यूं है सा,
के पहलू तो बोलिए शांतिनाथ जी महाराज की। मैं आपने बात कहनी है कि राजस्थान रा किसानों ने और जालोर जिला रा किसानों ने पण आ तो ठीक है इंदिर भगवान री मेहरबानी हुई ने मारे नदिया हाल जो अरे कांग्रेस री सरकार हमें कहवा दुका कि हमें कांग्रेस री सरकार थी तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। बिल्कुल करण सिंह जी, मैं समझ सकता हूं कि आप अपनी स्थानीय बोली को लेकर अगर हिंदी में आप अपना जवाब दे तो ये बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर वो क्यों लोग वोट दे दें? यहां तो तीसरे घटक के तौर पर बीएपी है, फिर आपको क्यों वोट दें? मैं आपको बताऊं साहब, 2500 मिटोसन जो पीड़ितों के बाकी थे किसान लोगों के, वो रूपराज जी ने धरने बैठ के मिटो। रूपराज जी मतलब जो शिवसेना में ज्वाइन कर लिया बीजेपी छोड़कर? हाँ, शिवसेना के जिलमुख जालोर के, तो 2500 मिटोसन पास करवाए और थी वो भी इधर बैठ के फैसला दिलवाया। तो आपका कहने का मतलब है कि लोगों के बीच जाकर उन्होंने इतने काम किए इसलिए लोगों से उनको रिटर्न में गिफ्ट जरूर मिलेगा? जिन फुट के ऊपर हक तय करना था वो दोनों पार्टियों ने हक तय कराने के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गए जालोर के। व्यक्ति सिंह जैतावा जी, आज 6 तारीख आखिरी तारीख थी नामांकन की, अभी पर्चा वापस की तारीख भी आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनको मना लिया जाए, कंधे पर हाथ रख दिया जाए, बैठ जाए चुपचाप? देखो मुस्कुराहट बता रही है कि यानी बात शुरू हो चुकी है। नहीं नहीं, ना तो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे ना बीजेपी के पक्ष में आएंगे, हम तो देखते हैं कि विकास करो। शायद हमारे इधर विधायक सगन सिंह जी, आप देख लो वाजा के वो टूटा हुआ पुल लगातार जनता के बीच आए, तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से यहाँ जो विधायक हैं जनप्रतिनिधि हैं वो बीजेपी और कांग्रेस वाले लोग क्यों नहीं गए? आप ही के लोग क्यों गए वहां पर? क्या लगता है आपको बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं गए? क्या सवाल है? नहीं थी पहले ही, तो अभी रूपराज जी ने मेहनत करनी चाहिए। पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, पर एक बात बताता हूं, जो बड़ी पार्टियां हैं तो बीजेपी वालों ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा बताओ आप? जनता के बीच में जाता हूं और यहां पे राउंड की शुरुआत करता हूं उनके सवालों की। बिजली को लेकर बात उठी, स्कूल की शिक्षा को लेकर बात उठी, स्वास्थ्य को लेकर भी यह कहा जाता है कि लोग बीमार जब पड़ते हैं तो फिर या तो गुजरात और किससे? सबसे पहले तो मैं सर सवाल पूछ लीजिए। सवाल तो 50 साल से इस जालोर जिले के अंदर परेशानी है, जितने सवाल किए जाएंगे उतने कम है, हर तरफ समस्या है। चाहे वो शिक्षा किंगे आपको सदियों से, मगर जीवन भर न भूल जाओ वो मुलाकात। आप क्या बोलेंगे सर? मैं बीजेपी कांग्रेस, अच्छा आप तो खैर कांग्रेस के हैं, हाँ बताइए सर। मैं ये कहना, मैं ये काम क्यों नहीं करते, इनकी कोई जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती? हूँ आज हमारे राज, आज 5 विधायक में से 4 विधायक बीजेपी के हैं, जिला प्रमुख बीजेपी का है, यहाँ का देखो चेयरमैन बीजेपी का है। तूफान आया उस समय विधायक मोदी कहाँ थे? जोगेश्वर जी यूक्रेन क्या कर रहे थे ये उनसे पूछो। और बताइए कि यहाँ पर लोगों की समस्या है कि जैसा आपने कहा भी पहले कि दिल्ली और जयपुर अपने कामों के लिए जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों के बीच और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रत्येक, तो कांग्रेस की सरकार ने भी कुछ नहीं था, बस ये कह दिया था कि जरा वो कर लीजिए सर्वे कर लीजिए, और उसके बाद सर्वे। गहलोत साहब का जो भीलवाड़ा मॉडल था वो गूगल में, अरे तो बिपरजॉय का मॉडल भी तो फिर यहाँ सांचा, और कुछ नहीं दिया गया मुआवजा, कुछ नहीं दिया गया। प्राकृतिक आपदा पूछ के नहीं आती है, प्राकृतिक आपदा के लिए गहलोत पूरा पर गारंटी अब इन 5 सालों में तो नहीं दी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर गारंटी की 7 साल 7 गारंटी के जरिए बात कही जा रही है। जी सवाल, अरे बात क्या है, गहलोत सरकार अभी तक कोई नीति नहीं बनी है, इसके बारे में किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये हंसने वाली बात नहीं है, आपके लिए एक भैंस कीमती नहीं होगी। परिवार जो लोग घूमते हैं यहाँ पे, वहाँ के एक भी पार्क नहीं है, नाइट में एक नहीं है कि हम फैमिली वाले वहाँ पे टाइम दे सके। सरकार ने इसके लिए एक जी जी आपका कीमत में 1 रुपया भी कम क्यों नहीं किया, आप बताइए सर। पिछले जालोर के अंदर जितने नशेड़ी होते हैं ना उसकी लिमिट बढ़ गई है, लेकिन ये सरकार किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले। नशा एक बहुत बड़ी यहाँ पे दिक्कत। देखिए नशे के लिए कांग्रेस सरकार की नीति स्पष्ट है, नशे को किस प्रकार खत्म किया जाए, किस प्रकार युवाओं को नशे से बचाया जाए, उसके लिए बड़े बड़े तर सरकारी आंकड़ों में पिछले 5 साल से घटा है, मैं आपको आंकड़े से बता सकता हूं। शराब माफियाओं के बीच में फिर जो लड़ाई होती है और मर्डर होते हैं वो क्या है फिर? वो इनकी की नाकामी कहेंगे, प्रशासन किसके हाथ में होता है, पुलिस प्रशासन किस पे, इनकी सरकार की नकेली नहीं है प्रशासन पर, पुलिसों को छूट देते हैं, अगर कोई आदमी कुछ दंगा मर्डर कर देता है तो पहले एक मंत्री का था, इसके कार्रवाई नहीं की जाती, इनके ही एग्जाम मंत्री विधानसभा से आते हैं, वहाँ एक बच्ची को मार दिया जाता है इसका। क्या 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 भाई भतीजावाद चल रहा है, क्या भाई भतीजावाद चल रहा है, क्या भाई भतीजावाद चल रहा है, यहाँ पर अपराधी को छोड़ दिया जा रहा है? जिस अपराधी की ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार सक्षम थी और हमने गिरिराज मलिंगा पर केस किया, उसको जेल में डाला, उसी साथी को इन्होंने अपनाया है कल के दिन। दूसरी चीज सड़कों की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जिस सड़क की बात की, केवल ये एक ही सड़क की बात करते हैं, दूसरी बात करो
सियाड़ा से लेकर सायला तक, सायला से बागुड़ा तक और तमाम प्रकार की जितनी ग्रामीण सड़कें उन सड़कों की बात करो, एक सड़क को छोड़कर केंद्र की, जिस केंद्र की नीतियों पर चलते हो। जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। 15 साल से देवजी पटेल एमपी है, जालौर सिरोही के लिए सिर्फ एक काम गिना दे तो हम आपके कई जैसे करने। एक मैडम, मैडम 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 जल्दी से, सड़कों की हालत देख लो, गाड़ी तो ले आएंगे लेकिन उनके लिए फिर गाड़ी के एक बोर्ड के लगे, उनको बताना चाहिए कि कितना महंगा बोर्ड आता है उसका। ये यहाँ पे कुछ कवि भी हैं जो अपनी कविता के जरिए अपनी बातों को रखना चाहेंगे, संक्षेप में बताइएगा साहब जी। नमस्कार, अभी उन्होंने कहा कि लंपी में गायों के लिए किया तो मैं गौ माता का कार्यक्रम करता हूँ। मेरा एक ही निवेदन है कि यहाँ पे घटना देखिए, गाय मर चुकी है और बछड़ा उसका दूध पी रहा था, तो लंपी में पता चला कि वायरस था, ट्रीटमेंट नहीं था, तो उसको मरम लगाने वाला नेता, मैं निवेदन करता हूँ कि लंपी जब आया उसके बाद में घाव फूटे और खून बहते रहे, माँ तड़प रही है, बछड़े कहते रहे, घावों से छलनी था शरीर, कोई आया ही नहीं, मरम लगाया ही नहीं, अब किसको इंतजार करें। क्या बात, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या सवाल आप जी? क्या मैं तो साहित्य जगत और संस्कृति से आता हूँ कि सपनों की जागीर दे गया, पर फूटी तकदीर दे गया, और जो थे बैसाखी के लायक उन हाथों शमशीर दे गया, और समय दुशासन के हाथों में अर्जुन जैसा वीर दे गया, और सब कुछ सहकर चुप रहने का नुस्खा एक फकीर दे गया। ये जो बात चल रही है यहाँ पे, झूठों ने झूठों से कहा, सच बोलो, लोकतंत्र क्या है, भीड़ तंत्र में बदल गया और पार्टियों के ऊपर ये जो सत्ताधारी। बिल्कुल, लोगों की नाराजगी है जाहिर तौर पर, यह बताइए कि जमानत जब्त होना ना हो पाए ये टारगेट होगा या फिर और कुछ है टारगेट? अभी पहले तो आपने बोला था रोड के बारे में, रोड हमारा देखो आप, इधर से जो थामड़ा जाते हैं ना साहब, तो गाड़ी के टायर बार पड़ते हैं। क्या क्या ये बताइए, पांच में से चार पिछली बार, इस बार कितनी जीत रहे हैं? पांच में से पांच जीत रहे हैं, दावे के साथ जीत रहे हैं। कांग्रेस को यहां पर वोट नहीं मिला है हाल फिलहाल में, अगर सीटों को देखें तो एक ही सीट मिलती है, इस बार क्या लग रहा है? कांग्रेस की विकास की योजनाओं को देखकर जनता कांग्रेस को वोट देगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे, पुनः सरकार हमारी बने। मैं रेवा शंकर अपने सहयोगी स्थानीय संवाददाता को यहां पर बुलाना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा। रेवा शंकर, जरा बताइए कि आज इसने बड़े मुद्दों पर यहां पर चर्चा की, किस तरह की बहस और किस तरह के मुद्दे यहां पर उठे, संक्षेप बताइएगा जी। यहाँ पे नेताओं के साथ में जनता से भी संवाद हुआ, लेकिन एक बात जो ध्यान में आती है, जालौर के लिए अभी बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों ने पाल रखी हैं, दोनों राजनीतिक दलों से निराश भी हैं, ये मैं बहुत दुख के साथ में कहना चाहूंगा, जनता से भी यही जानने को मिला है, और आने वाले समय में दोनों राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाएं और यहाँ पे एक स्वस्थ जो आज परिचर्चा हुई इसके लिए आप सभी का धन्यवाद है, आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद रेवा शंकर, जाहिर तौर पर मैं जालौर के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। चुनाव एक्सप्रेस कल पहुंचेगी, जी हाँ, अपने अगले पड़ाव में, और अगले पड़ाव में हम जाएंगे बाड़मेर की जनता से उनका हाल जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी साथी यहाँ पर जुड़े। चुनाव एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।